वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली बच्चा है। रास्ते में उसे $10 का नोट मिलता है। वह वोंका चॉकलेट बार खरीदने के लिए सुपरमार्केट जाता है। रैपर हटाता है, गोल्डन टिकट दिखता है। दुनिया में ऐसी केवल 5 टिकटें हैं। नजदीक का एक आदमी प्रलोभन देता है, टिकट खरीदने के लिए ज्यादा कीमत देता है क्योंकि गोल्डन टिकट एक निमंत्रण है दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री में जाने का। और फैक्ट्री का मालिक है चॉकलेट की दुनिया के महान विली वोंका। यहाँ बनी चॉकलेट न केवल स्वादिष्ट होती है बल्कि क्रिएटिव भी। एक बाइट खाओ और चॉकलेट एक पक्षी बन जाएगी। उसमें नहीं पिघलने वाली आइसक्रीम भी है। यहाँ तक कि भारत के राजकुमार के लिए भी उसने चॉकलेट बनाई है। वोंका के प्रोडक्ट्स दुनिया में सिक्का जमता जा रहा था। जल्दी कॉर्पोरेट जासूस वोंका के चॉकलेट सीक्रेट को जाने आने वाले थे। इससे वोंका के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हर जगह मिल सकेंगे। वोंका को गुस्सा आता है और वो फैक्ट्री को बंद करते हैं। छोटे शहर में आधे लोग अपनी नौकरी खो देते हैं, लेकिन वोंका हार नहीं मानते हुए अकेले उष्णकटिबंधीय जंगल में जाते हैं नए फ्लेवर्स की तलाश में। आश्चर्य से उन्हें जंगल में बौने लोगों की एक जनजाति मिलती है। वो बड़े हरे कीड़े को खाने में काम लेते हैं, उसे मेहमानों को भी परोसते हैं। वोंका इन लोगों को मना नहीं कर पाते, वे अपने मुंह में एक निवाला लेते हैं। स्वाद इतना खराब कि उल्टी का मन। वे कोकोआ बीन्स भी खाते हैं, लेकिन जंगल में कोकोआ बीन्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। वोंका को यह अवसर दिखाई देता है, वो बौनों को कोकोआ बीन्स देने का निर्णय लेता है, उन्हें फैक्ट्री में काम करने नियुक्त करते हैं। इस तरह कॉर्पोरेट जासूसों की कोई चिंता नहीं रहती है। आखिर वे सफलतापूर्वक एक डील बनाते हैं, फैक्ट्री फिर से काम करने लगती है। आज जब वोंका अपने बाल काट रहे थे तो सफेद बालों को देखा। फैक्ट्री के लंबे भविष्य को देखते हुए उन्होंने एक नया वारिस ढूंढने का निर्णय लिया। इसलिए वोंका चॉकलेट के रैपर्स में 5 टिकट उन्होंने दिए थे। उन्हें दुनिया में 5 बच्चों की तलाश थी जो उनके फैक्ट्री में विजिट करे और एक बच्चे को बड़ा सीक्रेट प्राइज मिलेगा। जब यह खबर आई तो दुनिया भर के बच्चे, यहाँ तक कि युवा वही पागलों की तरह चॉकलेट खरीदने, बेचने और चुराने लगे। चार्ली नाम के इस लड़के का सबसे बड़ा सपना था वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री में विजिट करना, लेकिन वो एक चॉकलेट बार नहीं खरीद सकता था। घर के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। घर के 7 लोग छोटे कस्बे में जर्जर घर में रहते थे। मम्मी हाउसवाइफ थी, पापा टूथपेस्ट फैक्ट्री में काम करते, लेकिन कुछ दिन पहले तकनीक के आने से वर्कर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली। कठिन समय में भी घर में प्यार था। आज पेरेंट्स ने चार्ली के लिए जन्मदिन का तोहफा बनाया था, वोंका चॉकलेट बार। घर में हर किसी को सरप्राइज का इंतजार था, लेकिन जब चॉकलेट को खोला वहाँ कोई टिकट नहीं थी। चार्ली सब की ओर मुस्कुराता है और अपना बर्थडे प्रेजेंट दिखाता है, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट। इसके अंदर 5 टिकट है। जिन बच्चों के पास ये टिकट है वे दुनिया के सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री जाने के योग्य है। पहला टिकट अगस्त नाम के लड़के को मिला, हर दिन 100 से ज्यादा चॉकलेट खा सकता है, यहाँ तक की टिकट भी आधी खाली। दूसरी बच्ची धनी परिवार की लड़की सॉल्ट, उसके पापा के पैसों की बदौलत उसने शहर की सारी चॉकलेट खरीद ली। अपने सारे कर्मचारियों को 3 दिन और रात इन्हें खोलने के लिए कहा, आखिर उसने टिकट जीती। तीसरी लड़की थी वॉयलेट, जिसे चिंगम चबाना पसंद था, युवा अवस्था से प्रतियोगी, कुछ भी हो फर्स्ट आने की आदत। कुछ दिनों पहले उसने चिंगम में वर्ल्ड चैंपियन जीती, 3 महीने तक गम चबाई थी। चौथा था होशियार बच्चा माइक, उसने टिकट की लोकेशन का अंदाजा लगाकर आसानी से टिकट पा ली। उसने एक बार खरीदी और टिकट मिल गई, अभी भी एक टिकट बची थी। चार्ली के दादा उसका सपना पूरा करना चाहते थे, सालों से जमा किए पैसे निकाले, बच्चे को चॉकलेट आने को कहा। परिणाम वैसा न था जैसा लोगों ने सोचा, वहाँ कोई टिकट नहीं थी। चार्ली फैक्ट्री के गेट पर निराश खड़ा था। घर आते समय $10 का नोट मिला, सुपरमार्केट से चॉकलेट ली, भाग्य ने साथ दिया। इसके अंदर वो अंतिम टिकट थी, वह जल्दी से घर आया। उसके दादा कई सालों से बिस्तर पर लेटे थे, टिकट देखकर तुरंत खड़े हो गए, नाचने लगे। अगले दिन शहर के लोगों की उपस्थिति में 5 परिवार फैक्ट्री में आए, आकर्षक परफॉर्मेंस का आनंद लिया। फिर वोंका ने फैक्ट्री में आने वाले लोगों का नेतृत्व किया। छोटे दरवाजे को खोलते हुए सामने का दृश्य देखकर हर कोई चकित था। परी कथा सा था, यह हर चीज चॉकलेट की बनी थी। अगस्त तुरंत खाने पर उतारू हो गया, जल्दी उसे मुंह भर लिया, उसे ध्यान नहीं दिया और नदी में गिर गया। वह लड़का एक चॉकलेट सा बन गया। उस समय वोंका ने देख लिया, चॉकलेट लाने ले जाने वाली ट्यूब से अगस्त को निकाला गया। फिर यहाँ काम करने वाले बौने लोग आए और गाना डांस किया। अगस्त खाने को लालची था, इसलिए बड़ा सीक्रेट प्राइज जीतने के लिए सही न था। इसके बाद अगस्त गेम से बाहर हो गया। बचे हुए 4 परिवार कैंडी की बनी हुई ड्रैगन बोट पर बैठे। अपनी यात्रा में उन्होंने चॉकलेट की नदी की यात्रा की। वे वोंका की लेबोरेटरी में गए, यहाँ ऐसी कैंडीज थी जिन्हें 1 साल तक खाया जा सके। ऐसी चॉकलेट गंजापन दूर करे। यहाँ एक चिंगम बार थी, इसे खाना 3 बार खाना खाने के बराबर था, फिर भी प्रोडक्ट को टेस्ट करना था। वायलेट ने यह सुना, उसने चिंगम की चैंपियनशिप दिखाने की सोची। बार को मुंह में रखा, कुछ देर में उसका शरीर पीला पड़ गया, शरीर बड़ा होता गया, वह बड़ी सी ब्लूबेरी बन गई। वायलेट भी खेल से बाहर हो गई। अब देखना है सॉल्ट की नकली मुस्कान कितनी कारगर है। उसके बड़े दांतों वाला मुंह को देखो। वह चाहती है कि उसके पापा वोंका चॉकलेट फैक्ट्री में छोटी गिलहरी लाकर दे, क्योंकि यह गिलहरी प्रोफेशनली ट्रेन्ड है। वह न केवल सुंदर है बल्कि अखरोट की क्वालिटी को पहचान सकती है। वोंका का बेचने का इरादा न था,
सॉल्ट ने सुना, गिलहरी पकड़ने को खुद ही निर्णय लिया। अंदर आई, पहुंची सारी गिलहरी उस पर एक साथ कूदी और सॉल्ट को जमीन पर खींच लाई। एक गिलहरी सॉल्ट के सिर पर गिरी। उसने सोचा कि वह एक बेकार बादाम है और इसे कचरे में फेंक दिया। इस तरह सॉल्ट खेल से बाहर हो गई। वहां दो बच्चे बच्चे थे। वोंका उनको कांच के एलिवेटर पर ले गए। वे चॉकलेट के एवरेस्ट पर गए। वहां कैंडी की आतिशबाजी हो रही थी। वे एक टेस्टिंग रूम में गए। यहां एक विशाल चॉकलेट बार की टेस्टिंग चल रही थी। छोटी कन्या टीवी पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए हाथ सीधे छू सकते हैं और बार को निकाल सकते हैं। माइक ने सोचा, वोंका को विज्ञान का कुछ पता नहीं। एक चमकते प्रकाश की तरह वह ट्रांसपोर्टेशन मशीन पर कूद पड़ा। एक चमकदार रोशनी के बाद माइक एक टीवी में आ गया। वह छोटा हो गया। इस तरह माइक भी खेल के बाहर हो गया। अब केवल चार्ली ही बचा था। चार्ली फाइनल सीक्रेट प्राइज पाने वाला भाग्यशाली बच्चा था। अभी बाहर हुए चारों परिवार फैक्ट्री से निकल रहे थे। वे सब बहुत दुखी दिख रहे थे। चार्ली वोंका को अपने घर लेकर आया। वोंका ने सीक्रेट प्राइज की घोषणा की, चार्ली फैक्ट्री का वारिस है, वह सारी प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी है। चार्ली ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुरंत राजी हो गया। लेकिन जब वोंका ने शर्त बताई कि चार्ली को फैक्ट्री में अकेले रहना है, उसे अपने परिवार से मिलने की अनुमति नहीं है, यह सुनकर चार्ली ने मना कर दिया। उसने अपने परिवार के साथ रहना चुना। वोंका को थोड़ी निराशा हुई। उसने सोचा सभी बच्चों की यह पसंद होगी जो उसकी है। युवा अवस्था में वोंका को चॉकलेट खाना पसंद था, लेकिन उसके पापा एक जाने माने डेंटिस्ट थे। हर हेलोवीन को वोंका घर पर जो कैंडी लाते, उन्हें पापा आग में डाल देते। एक दिन वोंका को एक बिना जली हुई चॉकलेट मिली। कैंडी निकाली, मुंह में डाली। तब से गुपचुप अलग अलग तरीके की चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। वे विभिन्न फ्लेवर्स और एहसास को डायरी में नोट रखते थे। बाद में पापा को बताया वे दुनिया के सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बनाना चाहते। उनके पापा ने उनको डांटा। वोंका ने घर छोड़ दिया। वे कई देशों में गए और अलग अलग तरीके की चॉकलेट टेस्ट की। बड़े होने के बाद चॉकलेट की दुकान खोली। बिजनेस बढ़ रहा था, इसलिए जल्दी वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री खोल ली। तब से वोंका और उनके पापा एक दूसरे से नहीं मिले। एक दिन वोंका चार्ली को ढूंढने आए। चार्ली के शब्दों ने उनके दिल की गांठ खोल दी। चार्ली की मदद से वे दोनों वोंका के पापा के क्लिनिक पर गए। पापा और बेटे ने कई सालों से एक दूसरे को नहीं देखा था, गले मिलकर रोने लगे। चार्ली ने दीवार पर अखबार के कॉलाज देखे। लगा वोंका के पापा हमेशा चुपचाप अपने बेटे का ख्याल रखते थे। आखिर वोंका परिवार के प्यार को महसूस कर सकते हैं। चार्ली फैक्ट्री का उत्तराधिकारी हो जाता है और हमेशा परिवार के साथ रखता है।